पहले हम तीन सवाल ले रहे हैं। दिल्ली से समीक्षा फंड आपसे सवाल करना चाहती हैं, जो इस वक्त यहीं पर बैठी हुई हैं। गुड आफ्टरनून सर, आई एम समीक्षा फ्रॉम जवान उदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली ऑफ क्लास 11। माय क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग फुल्ली prepared and confident, there is a feeling of nervousness till the exam is over. So how can we cope up with this? Thank you, sir. पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के बावजूद परीक्षा समाप्त होने तक डर लगा रहता है, इस स्थिति का सामना कैसे करें? मायने इसी से मिलता जुलता एक सवाल संजना ने भी पूछा है रिपब्लिक टीवी के माध्यम से। पूछा है, while writing exams, I tend to forget important diagrams, formulae and definitions. Even though I have studied it many times, how do I manage it better? ऐसा ही सवाल कई बच्चों ने पूछा है। हर्ष शुक्ला हैं, जो कि नवी कक्षा के छात्र हैं और पुणे में रहते हैं, पूछ रहे हैं कि परीक्षा के समय हम अति कठिन तैयारी करते हैं, खाना पीना तक भूल जाते हैं। ऐसे समय में जब प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता और हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसे समय में अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें और उसे चूर न होने दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया इस बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। आप में से कितनों को लगता है कि आपका आत्मविश्वास हिल जाता है? कितनों को लगता है? ये सवाल बहुत से बच्चों ने पूछा है और ये बिल्कुल सही सवाल है कि मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। खुद ने भी मेहनत की होती है, अपने पेरेंट्स ने भी की होती है, टीचर्स ने भी की होती है, हमने भी ईमानदारी से की होती है। ऐसा नहीं कि भाई टीचर को अच्छा लगे या माँ बाप को अच्छा लगे, लेकर ईमानदारी से की है। लेकिन एक चीज होती है, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कितने ही मेहनत की, क्लासरूम में बैठते हैं, एक शब्द याद आता है, ये भी आता है उस किताब में है, फिर याद आता है उस पेज पर है, फिर याद आए उस पेज की पांचवी छठी लाइन में ही है, सब याद आता है, शब्द याद नहीं आता है। ऐसा होता है ना? मैं बचपन में विवेकानंद जी को बहुत पढ़ता रहता था। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, अहम ब्रह्मास्मि। वो कहते थे कि अपने आप को कम मत मानो, अहम बस्मावि, मैं ही ब्रह्म का रूप हूं, यानी आत्मविश्वास जगाने की बात करते थे। दूसरी भी एक बात बड़ी मजेदार विवेकानंद जी क्या करते थे, वो कहते थे, और उस जमाने में 33 करोड़ देवी देवताओं की चर्चा हुआ करती थी, वो कहते हैं कि तुम 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा पाठ करो, 33 करोड़ देवी देवता तुम पर आशीर्वाद बरसाएं, सारी कृपा बरसाएं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, वो 33 करोड़ देवी देवता भी कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा होगा विद्यार्थी सामान्य तौर पे सरस्वती की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ आराध्य देवी सरस्वती मानते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन हनुमान जी को क्या कारण है? ऐसा क्यों करते हैं? सामान्य तौर पे सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हनुमान जी का मंदिर होगा वहां जरा। मैं जब छोटा था तो मैं उसकी मजाक उड़ाता था और मैं कहता था कि हनुमान जी को इसलिए नमन करके जाता है कि अगर एग्जाम में चोरी करने के लिए कोई चिट लेके गया है और पकड़ा गया तो मास्टर जी को पता होना चाहिए कि हनुमान जी का भक्त है, दिखा देगा। खैर वो तो मैं
स्कूल के अंदर चुटकुले सुना देता था तो उसका हिस्सा था, लेकिन हकीकत ये है कि मन में एक भाव रहता है आत्मविश्वास का, ये बहुत आवश्यक होता है। और ये आत्मविश्वास कोई जड़ी बूटी नहीं है जी, कि मम्मी कह दे कि आज एग्जाम में जाने से पहले ये टैबलेट ले लेना, वो ऐसे नहीं होता है। आत्मविश्वास वो कोई लंबा सा भाषण सुन ले तो भी आत्मविश्वास आ जाता, ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को हर पल कसौटी पर कसने की आदत डालनी चाहिए। कभी मान लीजिए हमारे घर में कहीं पर छोटी पहाड़ी है या घर के पास कहीं कोई बड़ा मकान है, स्टेयरकेस है, होता है कि अभी 3 मंजिला मकान है, चलो देखते हैं 3 दोस्त सबसे पहले स्टेयरकेस में कौन चढ़ के जाता है। जो चढ़ेगा उसको आत्मविश्वास आएगा, जो नहीं चढ़ेगा उसको लगेगा मैं भी चढ़ूं, वो दूसरे दिन मेहनत करेगा। आत्मविश्वास हर कदम पर कोशिश करते 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 बढ़ता है और हम उसको अचीव कर सकते हैं। और इसलिए निरंतर ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं जहां हूं उससे मुझे कुछ और अधिक करना है और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। आप लोग एग्जाम के समय शायद टीवी देखते नहीं होंगे, लेकिन अभी अभी एक खबर मेरे दिल को छू गई। अभी साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक चल रहे हैं, उस विंटर ओलंपिक में कनाडा का एक नौजवान मार्क खेल रहा है और उसको वो स्नोबोर्ड का खिलाड़ी है। और आप लोग स्कूल बोर्ड के खिलाड़ी हो, वो स्नोबोर्ड के एग्जाम दे रहा था, आप लोग स्कूल बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, और वो ब्रॉन्ज मेडल ले आया। लेकिन उसकी कथा ये है कि स्नोबोर्ड की उसकी प्रैक्टिसिंग में 11 महीने पहले उसको भयंकर इंजरी हो गई, यानी 15-20 फ्रैक्चर हो गए, कोमा में था 11 महीने पहले, अस्पताल में पड़ा था। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले वो ब्रॉन्ज मेडल ले आया और उसने अपने फेसबुक पर 2 फोटो रखी है, एक 11 महीने अस्पताल में पड़ा हुआ कोमा वाला दृश्य और बगल में ब्रॉन्ज मेडल का सम्मान प्राप्त करता हुआ, और फिर आगे उसने लिखा है धन्यवाद जिंदगी। कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा कि हाथ पैर टूट चुके हैं, कोमा में चला गया इंसान है, परिवार भी, अब तो परिवार भी कहता होगा भाई बहुत हो गया, खेल लिया अब ठीक हो गए, अब मत जाओ, लेकिन चला गया, फिर से कनाडा का सम्मान प्राप्त कर लिया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आत्मविश्वास हर पल प्रयासों से, और हम खुद ऑब्जर्व करते रहे अपने आप को, उससे आता है। स्कूल में जाते समय दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपकी एग्जाम ले रहा है, दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपको अंक देने वाला है, दिमाग में ये भर दीजिए आप ही आपके एग्जामिनर हो, आप ही अपना भविष्य तय करोगे। और कौन होता है आपका भविष्य तय करने वाला? वो अंक गिनने वाले गिनते रहेंगे, मैं अपने हौसले को लेकर के चलता रहूंगा, इस भाव के साथ बैठिए। और आप देखिए, और जीवन में सफलता में आपके पास क्षमता हो, संसाधन हो, सब हो, लेकिन आत्मविश्वास न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसे बहुत बढ़िया सवाल पूछा बेटे आपने, और देश के सीन बच्चों ने मुझे बताया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, 100 के करीब भाषाएं हैं, 1700 से ज्यादा करीब करीब डायलेक्ट्स हैं, कितनी विविधताओं से भरा देश है। लेकिन मेरी मर्यादा है, मुझे देश की इतनी भाषाएं नहीं आती हैं। मैं बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज मुझे ऑनलाइन या टीवी पे या अपने क्लासरूम में देखते होंगे, सुनते होंगे, मैं उनकी भाषा में नहीं बोल पा रहा हूं, और इसलिए, और मैं मानता हूं
उन बालकों को उनकी भाषा में बात बतानी चाहिए, लेकिन ये मेरी मर्यादा है कि मैं तमिल नहीं बोल पाता, मलयालम नहीं बोल पाता, कन्नड़ नहीं बोल पाता। नॉर्थ ईस्ट में जाए तो हर 20-25 साल के बाद एक नई लैंग्वेज है, तो मैं पहले उन सभी बालकों की क्षमा चाहता हूँ और मैं सभी व्यवस्थापकों से कहूँगा कि हो सके तो इन्हीं बातों को उन भाषाओं में वॉइस ओवर करके अगर उन बच्चों तक पहुँचा दिया जाए तो उनकी अच्छी सेवा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।